सुप्रीम कोर्ट दे विच हिंदू सेना दी जिहड़ी हिंदू सेना एक पावरफुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पटिशन कीती है कि ये जिहड़ी सिख पैसेंजर्स नूं किरपान कैरी करन दा हक है ये बाकी पैसेंजर्स की सेफ्टी लई खतरा है और इस नूं खत्म किया जाए इन्हां नूं अलाउ ना किया जाए। दिस हैज क्रिएटेड ए लूफहोल इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एयरपोर्ट and the aircraft and also safety and security of the passengers thereby violating the fundamental rights to life and personal liberty of the public at large guaranteed under article 21 of constitution of india jehda sikhan nu domestic flights de vich within india choti kirpan 9 inch di 6 inch blade aur 3 inch da dasta jehda ये पाण दा हक कोई ओवरनाइट नहीं सी मिलिया है। कॉन्स्टिट्यूशन दे आर्टिकल 25 बी दे विच सिखां नूं किरपान पहनण ते कैरी करन दा हक मतलब गात्रे दी किरपान भी और कैरी करन दी भी ये हक कॉन्स्टिट्यूशनल है। जिहड़े सिख एयरपोर्ट्स दे उत्ते काम करदे ने किसी भी अहुदे ते ने उहनां दे उत्ते पाबंदी ला दित्ती गई कि जी ओह नहीं कर सकदे किरपान नहीं पा सकदे इस दे उत्ते रौला पिया आवाज़ हुई वो उन्होंने अलाउ करता जी भाई साढ़े लई तो ये साढ़े गुरु साहबान का जिहड़ा हुक्म है कि असी पंज ककारी सिख हैं और कृपान असी अपने तो जुदा नहीं कर सकते तो उन्हें अगों जोकिंगली कहा सी भी तुहाड़े गुरु ने यह तो नहीं सी कहा भी जहाज़ से भी जरूर सफ़र करो हुण इस तों तुसीं अंदाज़ा लाओ भी इन्हां दी ज़हनियत की है। दर्शकों ब्रेक बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि हिंदू सेना ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है कि सिख मुसाफरों नूं हवाई जहाज़ों में कृपान लैके जान के हक नूं खत्म किया जाए। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि दोस्तों इसी तरह बने रहना देखण सुन लिया लिखण लई थोड़ा सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे इस मुद्दे पर? देखो वक्तन बा वक्तन जदों कोई खबर हिंदू तवियां वालों बड़े जोशो खरोश दे नाल जां बड़े धूम धड़के दे नाल पब्लिसाइज की जाती है तो साड़ी कम्युनिटी का एक हिस्सा भी उदे तो प्रभावित हुंदा है। कई इस लैवल दे उत्ते डिबेट करन लग जांदे ने कि जी ये हिंदू तवियां दे खिलाफ जां RSS जां मोदी जां आदित्यनाथ योगी जां दूजा सिखां नूं सिर्फ विरोध ही नहीं करते रहना चाहिए जे कुछ पॉजिटिव वो करते ने सानू दी तारीफ भी करनी चाहिए है और उन्होंने नाल भी खलोना चाहिए और असी जिक्र किया कि किमें वक्तन बा वक्तन जड़े ने गुरु तेग बहादुर साहब का 401 प्रकाश पुरब के नाँ थले जो लाल किले के सामने जड़ा जिस किस्म की ड्रामेबाजी मोदी अमित शाह ने की भावें वह सारे का करोड़ा रुपये जोड़ा खर्च से वह दिल्ली कमेटी के सिर पर मड़िया फिर उसी सीरीज़ के अगे जा के आदित्यनाथ योगी ने लखनऊ के अपने ऑफिशियल रेजिडेंस के सिर के उत्ते गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ रख के समागम किया और पिछले दिनों ही मैं उसकी उत्थे स्पीच भी सुनने का मौका मिले जो उन्होंने ध्यान दे नाल देखते हो तो जिहड़ा बंदा थोड़ा जिहा भी समझ रखता है उन्होंने नज़र आ रहा हुंदा है कि भई सिख जकारे छड़ रहे ने खुश हो रहे ने। योगी ने कहा देखो सिख महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर दे जिहड़ा है उत्ते सोना चढ़ाया एक वो सी जिहड़ा मंदिर तोड़न आए एक वो है जिहड़े जिन्हां ने सोना लाया हुण कहण नूं जकारा छड़ के भी वाकई महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें तो मसीतां नूं भी जिहड़ा मदद दित्ती है मंदिरां नूं भी दित्ती है गुरद्वारियां नूं तां दित्ती दित्ती हुण उस सारे पिछे लुकी भावना की है। फिर इस दे नाल नाल होर जिहड़े इस किस्म दे ने कि जी असी तां जिहड़ा गुरु साहिबान और बार बार जदों बड़े सत्कार नाल नाम लैंदा बहुतियां नूं लगदा देखो जी ये तो किवें पर क्यों साड्या नूं भुल जांदा है और यही बहुत बार क्योंकि 15 अगस्त नेड़े आ रहे हैं और कुछ साडे वीर कहिंदे ने भी उस ते भी अड्ड अड मुद्दियां ते गल करो असीं आउण वाले पीरियड च करांगे नेड़े जे आके कि भाई की वापरिया। पर जदों हुण मैं देखदा कि भी इस किस्म की ड्रामेबाजी का अपने लोग किवें शिकार हुंदे ने किवें ये मिठियां गल्लां दे विच फसते ने तो फिर मैनूं हैरानी नहीं हुंदी कि 75 साल पहलां
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस होन उस वेले दे कांग्रसी लीडर होन जिन्हां दे नाल पैरलर 1920 दे विच मदन मोहन मालविया वर्गा जिन्हें हिंदू महासभा बनाई जिहड़ी हिंदू महासभा दे नथुराम गोडसे ने गांधी नूं मारिया हुण उही मदन मोहन मालविया नूं अज तक भी कई सिख प्रचारक कोट करदे तुहानूं नज़र आणगे कि जी मदन मोहन मालविया ने एक कॉल दित्ती सी हिंदुआं नूं कि वह अपना हर बेटा जिहड़ा एक पुत्र अपने पुत्रां चों सिख बनाओ लेकिन लोग यह भुल जाते हैं कि भी उस ही मदन मोहन मालविया के कहण से बिरले ने सेठ बिरला जिदे नाते बिरला मंदिर दिल्ली जिथे गांधी का कतल हुंदा है उस बिरले ने जिहड़ियां मूर्तियां दरबार साहब की हदूद चों चकाईयां गईयां हिंदू देवत्यां दीयां यही मदन मोहन मालविया ने जिहड़ा बिल्कुल दरबार साहब की तर्ज का दुर्गाणा मंदिर बनाया गया जिहदे चों मूर्तियां जाके रखियां गईयां ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ RSS ਸਾਵਰਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੀਸਗੰਜ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਲੋ ਕੇ 1931 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਆਇਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਲ ਇਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲੋ ਆਫ ਫਰੀਡਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ 75 ਸਾਲ ਇਸ ਖੂਨੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 5% ਹੀ ਹੋਣ ਆਲਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ RSS ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੁਸਲਾਣ ਬਹਿਕਾਣ ਔਰ ਪਸਮਾਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ GST ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 12% ਦਿਓ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ GST ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੀਟ ਔਰ CBS ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਕਾਰ ਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰ ਔਰ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧੂਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਮੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ 9 ਇੰਚ ਦੀ 6 ਇੰਚ ਬਲੇਡ ਔਰ 3 ਇੰਚ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਔਰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 1989 'ਚ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾਨ 3 ਫੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿਦ ਇਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੇਲੇ ਹੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ
ये एग्रीमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट के नाल होया है कि भाई क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो इंटरनेशनल लॉ इनवॉल्व होंगे ने उदे च कोई अलाउ करे या ना करे, लेकिन विद इन इंडिया सिख जड़े ने वह कृपान के नाल फ्लाई कर सकते हैं 9 इंची कृपान। अच्छा हूँ कुछ अरसा पहला ये सामने आया कि जी वो तो सिख पैसेंजर्स अलाउ करते हैं पर जेडे सिख एयरपोर्ट्स के उत्ते काम करते हैं किसी भी अहदे ते ने उन्हां दे उत्ते पाबंदी ला दिती गई कि जी वो नहीं कर सकते कृपान नहीं पा सकते, इस दे उत्ते रौला पिया आवाज़ हुई वो उन्होंने अलाउ करता जी ठीक है भी वो कर सकते हैं। हुण तुसीं अंदाज़ा लाओ भी इन्हां नूं किस हद तक सिखां दे ककारां नाल समस्या है। ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच हिंदू सेना दी जिहड़ी हिंदू सेना एक पावरफुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पटिशन की है कि ये जिहड़ी सिख पैसेंजर्स नूं कृपान कैरी करन दा हक है ये बाकी पैसेंजर्स की सेफ्टी लई खतरा है और इस नूं खत्म किया जाए इन्हों अलाउ ना किया जाए। और ऑलरेडी इस पटिशन नूं सुप्रीम कोर्ट ने एक्सैप्ट भी कर लिया है और इस दे उत्ते कमिंग फ्राइडे जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जे के महेश्वरी ये दो जजां दा जिहड़ा पैनल है बेंच है वो इहदे ते फैसला सुनाएगा और उहदे च उन्होंने उही प्ली लई है पटिशन फाइल्ड बाय हिंदू सेना उहदे च उन्होंने कहा कि भी असी एविएशन सिक्योरिटी ऑर्डर जिहड़ा 4 मार्च 2022 नूं कढ़िया गया उस दे खिलाफ असी ये पटिशन कर रहे हैं और साडा ये कहना है कि ये इहदे नाल दिस हैज़ क्रिएटिड ए लूफ होल इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एयरपोर्ट एंड द एयरक्राफ्ट एंड आलसो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स देयर बाई वायोलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड परसनल लिबर्टी ऑफ द पब्लिक एट लार्ज गरंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हूँ क्योंकि आर्टिकल 25 हक दिंदा है कृपान पहनण कॉन्स्टिट्यूशनल है बेसिक ड्राफ्ट का हिस्सा है, हूँ उन्होंने चैलेंज करन लई ये आर्टिकल 21 दे थले उन्हों चैलेंज कर रहे हैं कि आर्टिकल 21 जेड़ा वो फंडामेंटल राइट दिंदा है लाइफ एंड परसनल लिबर्टी दा ऑफ द सिटीजनस, तो जदों सिखां दे नाल बाकी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं बेशक उन्होंने तुसी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिता है पर इत्थे आर्टिकल 21 लागू होना चाहिए कि दूसरे मुसाफरां दी जिहड़ी सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो इंपॉर्टेंट है और इस दे नाल जिहड़ा इहदा यही हल है कि इन्हों के उत्ते पाबंदी लाई जाए कृपान मे बी कैरिड ओनली बाय 6 पैसेंजर्स ऑन इस परसन, बाकी उन्होंने कहा 6 इंच उसकी लेंथ होए और टोटल इन्नी एक्सीड ना करे और ये ऑलरेडी एग्रीमेंट जड़ा होया हुआ और इकला ये नहीं है कि भी ये हूँ इन्होंने बाई कोर्ट इस पर पाबंदी लगाना चाहते ने जदों ईवन ये नैगोशिएशन चल रही सी इहदे बावजूद कि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जड़ा वेयर एंड कैरी का हक से तो उदों जिहड़ा उहदा हिंदूतवी मैंबर सी उस बोर्ड का मैनूं उहदा नाम नहीं याद है उन्हें ये ऑबजैक्ट किया सी कि जी ये नहीं होना चाहिए, तो जदों सिख डेलीगेशन ने कहा कि भाई साढ़े लई तो ये साढ़े गुरु साहबान का जिहड़ा हुक्म है कि असी 5 ककारी सिख हैं और कृपान तो असी अपने तो जुदा नहीं कर सकते, तो उन्हें अगों जोकिंगली कहा सी भी तुहाडे गुरु ने यह तो नहीं सी कहा भी जहाज़ से भी जरूर सफ़र करो। हुण इस तो तुसी अंदाज़ा लाओ भी इन्हां दी ज़हनियत की है और हुण एक पासे जिहड़े लोग योगी दे जां मोदी दे जां जिस किस्म दा कल असी जिवें कल दा सैगमेंट साडा काफ़ी हो उस दे उत्ते कमेंट्स भी आए कि दादूवाल सीचेवाल ये जिहड़े दोनों ही RSS मोल एक्टिव किए ने और बहुत सारे ने कहा जी हाँ दादूवाल पहला भी इवें ही सी सीचेवाल भी इवें ही सी, पर असी ये देख रहे हैं भी एक पासे इस किस्म के जिहड़े बहुरूपीए ने उन्होंने प्रमोट किया जा रहा है और सिखा जे प्रभाव देने की कोशिश की जा रही है कि जी RSS जा हिंदू शिव सेना जा हिंदू सेना जा हिंदू महासभा सिख फ्रेंडली ने, पर दूसरे पासे प्रैक्टिकली किस हद तक जाके जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिता होया है कृपान पहनण और रखण का हक और जिहदे थले हवाई जहाज़ों के सफ़र करन का हक है वह भी विद इन इंडिया उन्हों भी ये हिंदू सेना जिहड़ी है वह खत्म करवाना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तेज़ी के नाल इनू एक्सैप्ट किया और जदों दो जजा चो एक मुसलमान है तो मैं उदों ही इस किस्म का खौफ हुंदा हुंदा है कि भी ये इसलिए जदों भी इस किस्म का कोई फैसला करवाउंदे ने
वह किसी मुसलमान या ईसाई में जरूर लै आते हैं फैसला उतो करवाना होंगे क्योंकि दसण दे लई देखो जी ये कोई नहीं। और यही गल शाह कमीशन के हवाले नाल सी हुण जदों पंजाब रीओरगेनाइज एक्ट वेले इन्होंने शाह कमीशन बनाया कि किहड़े इलाके हरियाणे नूं और हिमाचल नूं देने ने जस्टिस शाह मुसलमान सी और उदे तो चंडीगढ़ हरियाणे नूं दवाया पंजाबी बोलदे इलाके कढवाए और दूजे और जिहड़ा तीन मैंबरी कमीशन सी जिहड़ा उहदे इक हिंदू मैंबर सी उहदा नाम नहीं मैनूं याद है उहनें कहा सी भी चंडीगढ़ पंजाब लई बणिया सी और मूल तौर पर जदों गुजरात अड होया बंबई प्रोविंस तो ते गुजरात ने अपनी अड राजधानी बनाई बंबई तो नहीं दिती गई हालांकि बंबई च 90% जायदाद गुजरातियों की सी उत्थे सारे ने और उन्होंने ये देखा दे दसो जी ये देखो जी ये तो एक मुसलमान ने ही चंडीगढ़ दिता है हुण ये भी जिहड़ा दो बैंच के उत्ते एक मुसलमान नूं देना है ये भी उस तो यही फैसला करवाउण की लाइन होएगी वह कहेगा जी ठीक है आर्टिकल 25B जिहड़ा वह कॉन्स्टिट्यूशनल गरंटी और दूसरा दिंदा है पर आर्टिकल 21 जिहड़ा नागरिकां दी सेफ्टी दी गरंटी है उहदे जिहड़े उत्ते इनफ्रिंज अपॉन करदा है इसलिए वह कृपान कैरी नहीं कर सकते और जे इस किस्म का होया कड़े तो पहले ही लुवाने शुरू किए हुए हैं तो फिर अंदाजा ला लो कि भाई ये तुहाडे पंज ककार पगां भी लुवाउणियां जिहड़ियां ने वह जिथे मर्जी इन्हां नूं सूट करदा है वह करदे ने सो ये इन्हां दी हकीकत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। सो हथ लेना ब्रेक व्यूअर्स तो सू इस तरह ही बने रहना मिलते हैं छोटे जे ब्रेक तो बाद।